हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे पास आ चुके हैं बोट के रोकर 260 जो मैंने कल फ्लिपकार्ट से परचेज़ किए थे 799 रुपीज़ में। बॉक्स की बात कर लें, कल मैंने अनबॉक्सिंग कर दी थी, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। और अगर इस पे बात करें तो इसमें आपको क्लियर साउंड मिलता है, जिसके लिए आपको दिया गया ENX टैक इसमें, और बीस्ट मोड मिलता है गेमिंग के लिए, और ASF पे चार्जिंग मिलती है, यानी कि आप फास्ट चार्जिंग समझ सकते हैं इसको, कि 10 मिनट में ये 10 घंटे का आपको चार्जिंग का म्यूजिक के लिए बैकअप दे देता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम टाइम जो कंपनी क्लेम करती है कि 25 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिल जाता है, तो यानी कि फुल चार्ज अगर हम करेंगे तो इसको 30 मिनट लग जाएगी। लेकिन वैसे मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया है, कल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो मुझे ये पहले 90% दिखा रहा था, फिर 100% ही दिखाने लगा। और बात कर लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो ये आपको दो पेयर ईयरबड्स मिल जाते हैं, एक स्मॉल साइज़ एक लार्ज साइज़ के इसमें, और एक ये डाटा केबल मिल जाती है चार्जिंग करने के लिए, USB टाइप सी। अगर आपके पास टाइप सी चार्जर ऑलरेडी है तो उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। क्वालिटी केबल ठीक है। और अगर बात करें कि रोकर्स ये नेक बैंड की, तो नेक बैंड काफ़ी बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि मैंने तो देखो मैं बताऊँ आपको 799 रुपीज़ में परचेज़ किया। अभी मैं फ्लिपकार्ट पर देख रहा था, इसका प्राइस कर दिया उन्होंने 1299, पता नहीं 500 रुपये एकदम क्यों बढ़ा दिए। और बाकी बैंड की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और इस तरफ आप देखेंगे कि ये प्लेन है, कुछ नहीं है। इस तरफ आप देखेंगे तो इसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन के लिए मिल जाता है, और ये अगर आपका फ़ोन से कनेक्ट होता है तो ये लाइट ब्लिंक करती रहती है। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो कनेक्ट करते टाइम ये रेड कलर की ब्लिंक करेगी, और चार्जिंग में भी ये रेड, मैंने लगा के देखा था, अभी चार्ज नहीं किया कि भाई चार्ज क्योंकि ऑलरेडी 100% है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले यूज़ करूँ, तभी 4-5 घंटे यूज़ करने के बाद भी अभी भी 100% ही दिखा रहा है। कनेक्ट करने के लिए इस बटन को आप प्रेस करके रखेंगे जिस पे बोट लिखा हुआ है, और 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये लाइट आ जाती है, ऑन हो जाता है, और कनेक्ट करने के लिए पेयरिंग हो जाती है। ऑफ़ करना है इसको तो भी आप इसको 5 से 10 सेकंड प्रेस करेंगे, ऑफ़ हो जाएगा। चार्जिंग के लिए इधर दिया गया आप ये USB टाइप सी जो चार्जर है, इससे आपके पास ऑलरेडी है, उससे ये इसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बहुत मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर बात करें प्राइस के अकॉर्डिंग 799 रुपीज़ में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं, 4 कलर इसमें अवेलेबल दिखा रहा था। मुझे पर्पल पसंद आ रहा था तो मैंने पर्पल ग्रीन सोच रहा था, लेकिन वो मिला नहीं, तो फिर पर्पल मैंने परचेज़ किया। और ये मैग्नेटिक मिलते हैं आपको, ये अगर आप यूज़ नहीं करें तो नेक बैंड को आपके गले में तो ये आप ऐसे चिपक जाते हैं, और ये इसके साथ फिन्स आते हैं अगर आप जॉगिंग या रनिंग करते हैं तो उस टाइम पे, ताकि आपके कान से निकले ना, आपको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए फिन्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं पर्सनली, तो मैं इनको यूज़ कर रहा था इस टाइप के ऑलरेडी, तो ये फिन्स वाले क्या होता है कि अगर आप 1-2 घंटा इसको लगातार लगाते हैं तो आपके ईयर में ना ये पेन करने लग जाते हैं। तो वैसे आप इनको निकाल भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आपको ये यूज़ ही करना है, आप इसको निकाल के ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे और निकाल के तब यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, इसके बिना भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बात करें साउंड की, तो मैं अभी आपको एक छोटी सी म्यूजिक क्लिप चला के दिखा देता हूँ, तो आप ये माइक के पास मैं लगा दें, मैं अभी फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माइक के पास लगा देता हूँ, तो आप देख लेंगे इसके कि भाई आपको साउंड कैसा लगता है। उसके बाद बल्कि मैं रिकॉर्ड करूँगा इसका माइक भी यूज़ करके ही आगे की वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका माइक भी कैसा है, ताकि दूसरे के पास आवाज़, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मैंने बात भी की दूसरे दोस्तों से, तो काफ़ी बढ़िया साउंड जाता है और म्यूजिक भी काफ़ी बढ़िया है। अगर प्राइस की बात करें 799 में तो बेस्ट है। अभी मैं आपको इसका म्यूजिक सुनवाता हूँ कि आप देखें कि भाई आपको ये साउंड कैसा लगता है इसमें। तो दोस्तों अब जो साउंड आ रहा है वो ये डायरेक्ट मैंने इसको माइक के पास लगा दिया है, बाकी ये क्योंकि कान में लगा के काफ़ी अच्छा साउंड देता है, माइक में पास मुझे पता नहीं कि कैसा साउंड आएगा। तो जो अब साउंड आप सुन रहे हैं ये बिल्कुल मैंने माइक के पास रखे हुए हैं, और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कैसा साउंड इनका है। और अब जो मैं आगे की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एक थोड़ी सी, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा इसका माइक की क्वालिटी कैसी है और माइक। तो दोस्तों अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैंने यही माइक यूज़ किया हुआ इसी का ही, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि माइक इसका कैसा है। और एक बात और, जब इसे हम कनेक्ट करते हैं ना तो एक साउंड आता है कि यू आर कनेक्टेड विद रॉकर्स, और जब डिसकनेक्ट हो जाता है तब भी ऐसे ही बोलता है डिसकनेक्टेड। तो बात कर ले प्राइस की, तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा 799 रुपीज़ में, और 1299 में तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि सीधे 500 रुपये एक्स्ट्रा करती हैं, ये तो कोई बात नहीं होती। तो 799 में अगर आपको मिलता है फ्लिपकार्ट पे, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि थम्स अप, आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है 799 रुपये में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।